हाँ जी, ये डिफरेंट क्वेश्चन है। कह रहे ने सोशियोलॉजी इलेक्टिव इंग्लिश सब्जेक्ट स्टडी किया है तो पोस्ट ग्रेजुएशन सोशियोलॉजी विच की है, मेरा कॉम्बीनेशन SST इंग्लिश बनता है। जे दूसरी तुसी सोशल साइंस नहीं पढ़ी तो उसका तुहानू एडिशनल पेपर BA का देना पड़ेगा पंजाबी, तो पंजाब विच तुसी एलिजिबल हो। बिल्कुल ठीक कह रहे हो। जिस कॉलेज में एडमिशन लेनी है उस विच BC कैटेगरी की कोई सीट नहीं है। जे इस BC कैटेगरी की सीट नहीं है तो जे तो रैंक अच्छा है तो जनरल वाली सीट मिलेगी। BC रिजर्व वाले जनरल च आ सकते हैं, जनरल वाले रिजर्व विच नहीं जा सकते, इस गल नू समझ लो। सो जे तुहाडा रैंक अच्छा है तो तुहानू जनरल कंसीडर करके उहदे विच मिल जाएगी सीट। जनरल कैटेगरी सीट मिल सकती है, यस मिल सकती है, पर रैंक किन्ना है उस पर डिपेंड करेगा। ओके सर, मेरे को प्राइवेट कॉलेज लॉक हो गया, हुण गवर्नमेंट कॉलेज की मैं होऊंगा कि मैनू गवर्नमेंट सीट मिलेगी? मेरे तो प्राइवेट कॉलेज लॉक हो गया। नहीं, तुसी अपना एक वीडियो भी पाया एरर वाला, ये एरर है ना, तुसी वही है वीडियो सच। तुसी उन्होंने मेल करो कि तुम दोबारा आ वाले कॉलेज फिल करना चाहते हो, वो गवर्नमेंट कॉलेज भी फिल कर दो। इस तरह उदास नहीं होना। अच्छा बीबे बीबे पढ़ के ना है अशके अशके, इदा नहीं उदास होना। तुसी उन्होंने कर दो, वो जरूर चेंज कर देंगे। जरूर तो नहीं, मैं शायद कह रहा कि वो चेंज करेंगे, प्रोबेबिलिटी यही है। तुसी एक बार मेल जरूर कर दो कि मैं एक कॉलेज फिल हो गया गलती ना, मैं आ करना सी, है ना। सर मैं BEd पोलीटिकल साइंस पंजाबी लिटरेचर पढ़िया है तो मेरा BEd लई की कंबीनेशन है? बाद विच साल विच दोनों सब्जेक्ट POP पढ़े ने POP, तो सर की मैनू एडिशनल पेपर देना पेगा गवर्नमेंट जॉब लई? प्लीज़ चल, पोलीटिकल साइंस पंजाबी पढ़ी है, तीजा कि पढ़िया है? पोलीटिकल साइंस पंजाबी लिटरेचर पढ़िया है तो मेरा राजे तुसी आ तीजा दस्या नहीं, पोलीटिकल साइंस एक दस्या है। हुण जे तुसी PUP च हो तो तुसी SST तुसी लैंदे हो, फिर तुहानू एडिशनल पेपर देना पैना है। कोशिश करियो हिस्ट्री ही देइयो BA दा, है ना, 3 सालों का, 2 semester च होएगा। BEd दे नाल ही कर सकते हो, बाद विच भी कर सकते हो, ठीक है। तुहाडी यूनिवर्सिटी कहिंदी है कि जे BEd दा ते BA दा क्लैश कर गया तुहाडी डेट शीट ते असीं जिम्मेवार नहीं हाँ, तो ये रिस्क लै सकते हैं तुसीं। दूसरा SST दे नाल पंजाबी ही तुहाडा बेस्ट बनेगा, PB पंजाबी ही बनेगा, ये तुसी सीधा TGT लई गवर्नमेंट जॉब लई बिना एडिशन तो एलिजिबल। सर BEd दे नाल इलैक्टिव इंग्लिश मैनेज हो सकती है सेम टाइम? एडिशन की बात कर रहे हो ना तुसी, एडिशनल BA दा इंग्लिश जे ये गल कर रहे हो तो हाँ हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है, क्योंकि 2 semester है। semester 1 है, sem 1 है, sem 2 है। हाँ क्लैश करता है तो गल वक्री है, इन्ना वो नहीं है। जे तुहानू लगता है कि तुसी टेंशन, तुहाडा एंगजाइटी ट्रेट है, साइकोलॉजिकल परस्पेक्टिव दस रहा हाँ, फिर तुसी ना पंगा लो। पर जे तुहानू लगता है कि मैं ये कर सकता हाँ और BEd विच तुहाडे कई पेपर हुण यूनिवर्सिटी ते मैं सिलेबस पा दिंदा हाँ, तुसी सिलेबस देखो उस सैम दा जदों तुसी इंग्लिश करनी है। देखो एम्पीरिकल तरीका तो यह है, उदों जे 1.5-1.5 घंटे के पेपर है और BEd तो कई जने तुहानू की दसा, मतलब पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला हो तो बड़ी आसानी हो सकता है, गुरु नानक हो तो थोड़ी डिफिकल्ट, थोड़ा औखा लगेगा, पंजाब च भी थोड़ा औखा हो सकता है क्योंकि सिलेबस पंजाब का BEd का ज़्यादा है, दूजे नंबर पर गुरु नानक का, तीजे तो सब तो ईजी जड़ा है पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला का है। सो कित्थे हो, तुहाडा ट्रेट की है, ये मुताबक यदा आंसर बनेगा, है ना। इसलिए तुसी डेट शीट ते वो सिलेबस जरूर देख लो। सर PSTET विच कॉमर्स रिलेटेड कुछ भी नहीं हुंदा, फिर तुसी तैयारी करा दियो जी? है मैं जो भी है तैयारी करावांगा कॉमर्स रिलेटेड है। तुहानू कॉमर्स वालियां नू ना SST लैनी पैनी है। एक मैं वीडियो पा रहा हाँ कि रिलेशनशिप बिटवीन यूअर सबजैक्ट चॉइस एंड TET, उहदे विच यही दसन लगा हाँ। वो तुहानू फिर ये नैचुरली हिस्ट्री तो मैं यदि ही तैयारी करवावगा, यदि मास्टर केडर की भी तैयारी करवावगा। थोड़ा मैं टाइम लेना हूं क्योंकि मैं थोड़ा डीप चल जाता हाँ, तो तुसी कोई नहीं होर सोर्स भी जेड़ा मर्जी देख सकते हो। सर मैं ग्रेजुएशन विच मैथ इकनोमिक्स फिजिकल एजुकेशन की है कॉलेज यार यूजर नेम कौन हो आप, 5वीं बार पूछ लिया। टी साहब, टी फॉर तीरथ। ओके ये मैं राजे जवाब दे दिता। अच्छा तुहाडा क्योंकि मैं 3वीं बार, 4वीं, 5वीं बार है तो फिर हूँ मैं मेरे ख्याल च ना दसा तो उत्थे मिल जाएगा। जे नहीं जब मिले जवाब तो काइंडली तुसी जेड़ा है 6 बार शायद प्लीज़ रिप्लाई कर दो,
मैं जवाब दे दिता है तुहानू नहीं मिलिया वो वीडियो, तुसी 9872978981 ते फोन कर लियो, ठीक है, जां वॉइस मैसेज कर दियो। सर लॉगिन करते टाइम फोटो सिग्नेचर अपलोड करन दी नहीं 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 इत्थे हुण कुछ नहीं होना, वो पहला सब कुछ हो चुका है, वो पहला तुसी देख लिया है, हुण नहीं होना कुछ भी। सर PUP क्या हो गया? सर PUP मेरा 6th sem का रिजल्ट नहीं आया, अकैडमिक डिटेल फिल करन लई मैं दस दो की करना है। जेकर रिजल्ट आया नहीं है, अकैडमिक डिटेल वाली डेट निकल जाती है, तुसी नहीं फिल करोगे तो अनु फिर एक डेट दिती जाएगी सैकेंड काउंसलिंग विच, उदो तुसी फिल करोगे, वो मैं ऑलरेडी वीडियो दस्या होया, चिंता ना करो, एडमिशन हो जानी है। सर BA BEd की मैरिट लिस्ट कदों आनी है? BA BEd की मैरिट लिस्ट कदों आनी है? तो स्टडी कदों स्टार्ट होगी जी, प्लीज़ दस। सर BA BEd की मैरिट लिस्ट, अच्छा वो बताया है, ये हो गई आपकी 21st को है ना, हाँ एक वीडियो निकला है पूरा इस पर कि वीडियो कब आएगा, रैंक कब आएगा, वो मेरिट लिस्ट 21 को है ना, तो ये रिप्लाई दिया, ये हेल्प करते हैं लोग मेरी। हाय 19 अगस्त रेगुलर क्लासेस, मेरिट लिस्ट 19 रेगुलर क्लासेस 11 सितंबर तो जो के शुरू होनी आया। ओके इंग्लिश विच की होना है? ग्रामर नहीं 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 इन्होंने दिता है लिटरेचर, ये तुसी ये शायद गलत हो गया थोड़ा, ऐसा नहीं है। जे तुसी इंग्लिश पूछ रहे हो BEd च, तां BEd विच तुसी इंग्लिश ग्रामर नहीं पढ़नी, तुसी मेथड्स ऑफ टीचिंग ऑफ इंग्लिश, हाउ टू टीच इंग्लिश, ओके वो पढ़ना है, लिटरेचर नहीं पढ़ना। जे BA की गल कर रहे हो फिर यह सही आंसर है, लिटरेचर आएगा। सो वापस चलते हाँ अगले वीडियो ते, केड़ा वीडियो सीगा, ये वाला सीगा, आ वाले से चलते हैं, आ लो जी ओके। 9 कमेंट है, BEd नॉट एलिजिबल फॉर PRT, ओ गुड क्वेश्चन है, शाबाश। यस एक सुप्रीम कोर्ट या कोर्ट का फैसला मेरे को नहीं है, इसलिए भी इसको पेंडिंग रख लिया हाँ। ETT वालिया ने केस किया, ETT वालिया ने केस शायद वो जितया होया है, उसका डॉक्यूमेंटेशन मेरे को नहीं है, डॉक्यूमेंट आंदा है तो तुहानू प्रोवाइड कर दाँगा, जिस विच उन्होंने कहा है कि BEd वाले पेपर वन नहीं TET का पेपर वन तुम भर सकते हो TET, लेकिन जॉब विच पेपर वन क्लीयर करके तुसी PRT मतलब जेडे पंजवीं तक एक तो पांच तक पढ़ाने वाले टीचर ने, प्राइमरी टीचर एलीमेंट्री टीचर, वो एलिजिबल नहीं ने, सो डॉक्यूमेंट आके मैं वेरीफाई कर दाँगा। हेलो सर मैंने BSc बायोटेक्नोलॉजी की है गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी, मेरा मेजर और माइनर सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बता दो। आपका साइंस मिल जाएगा क्योंकि अपने BSc की है, आपने BSc की है बायोटेक्नोलॉजी, तो इसमें सब्जेक्ट अब मुझे नहीं पता, ये सब्जेक्ट पता होने चाहिए, तो मोस्ट प्रॉबली आपको साइंस मिल जाएगी, साइंस बायोटेक्नोलॉजी, क्योंकि सीधा आपका प्रॉस्पेक्टस में नहीं लिखा कि BSc बायोटेक्नोलॉजी को क्या मिलेगा, यही लिखा है BSc मेडिकल, नॉन मेडिकल और MSc जिसने की है, तो आपका BSc लगा हुआ है, इससे आपको साइंस मिल जाएगी, और साइंस के बाद वन ईयर आपने जो सब्जेक्ट और कोई पढ़ा है, फॉर एग्जांपल अगर फिजिकल साइंस है वो पढ़ी है ना, लाइफ साइंस हो सकती है, ये आपका लाइफ साइंस की तरफ जा रहा है वैसे, तो और साइंस अगर पढ़ी होगी तो वो, अदरवाइज साइंस और आपका इंग्लिश या साइंस और पंजाबी ये बन जाएगा, इनका आपको फिर एडिशनल पेपर देना पड़ेगा BA का 3 साल का, फिर TGT के लिए एलिजिबल हो जाओगे गवर्नमेंट जॉब के लिए, और ये 2 सेमेस्टर में हो सकता है ख़त्म हो जाता है, साथ साथ भी BEd के दे सकते हो, बाद भी दे सकते हो, सो आपका मेजर सब्जेक्ट जो बायोटेक्नोलॉजी का साइंस, और अगर दूसरी कोई साइंस कौन सी बीच में पड़ी है वो DMC देख के मुझे पता चलेगा, तो यूनिवर्सिटी यूनिवर्सिटी वेरी भी करते हैं, तो साइंस और वो बन जाएगा, अगर वो नहीं बनता तो फिर साइंस इंग्लिश साइंस पंजाबी आपका बन जाएगा। नेक्स्ट है सर मैनू कन्फ्यूजन है कि किसी ने BEd विच SST इंग्लिश ली बट किसी ने इलेक्टिव नहीं पढ़ी, जहाँ SST का सब्जेक्ट नहीं पढ़िया,
ਉਹ ਪੇਪਰ ਲਈ ਐਲੀਜੀਬਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਇਲੈਕਟਿਵ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੀ ਤਾਂ ਉਹ ਫਿਰ SST ਲਈ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਟੈਸਟ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੇ BEd ਵਿੱਚ SST ਇੰਗਲਿਸ਼ ਲਈ ਬਟ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਲੈਕਟਿਵ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੀ ਹਾਂ ਤਾਂ SST ਦਾ ਇੱਕ ਸਬਜੈਕਟ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹਾਂ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਉਹ ਕਿਸੇ ਪੇਪਰ ਲਈ ਐਲੀਜੀਬਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਐਲੀਜੀਬਲ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਮੰਨ ਲਓ SST ਹੈ ਇੱਕ ਹੀ ਸੋਸ਼ਲ ਸਾਇੰਸ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ ਹਿਸਟਰੀ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ ਨੇ ਉਸਨੂੰ SST ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਜੋਬ ਲਈ ਐਲੀਜੀਬਲ ਹੈ ਹੈ ਨਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਨੇ ਦੂਸਰੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਾਇੰਸ ਜਾਂ ਜੋਗ੍ਰਾਫੀ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜੀਆਂ 7 ਸੋਸ਼ਲ ਸਾਇੰਸ ਹੈ ਸੋਸ਼ੋਲੋਜੀ ਫਿਲੋਸਫੀ ਪਬਲਿਕ ਐਟ ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਦੋ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਫਿਰ ਜੋਬ ਲਈ ਐਲੀਜੀਬਲ ਹੋਏਗਾ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਟੈਸਟ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਦੂਸਰੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਿਸਟਰੀ ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਪੰਜਾਬੀ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ ਜਨਰਲ ਪੰਜਾਬੀ ਤੋ ਜਨਰਲ ਪੰਜਾਬੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੀ ਤਾਂ ਇਹ BEd ਤਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ BEd 'ਚ ਹੋ ਗਈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲੇਕਿਨ ਜੋਬ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਲੈਕਟਿਵ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਅਡੀਸ਼ਨਲ ਪੇਪਰ ਦੇ ਕੇ ਫਿਰ TGT ਲਈ ਐਲੀਜੀਬਿਲਟੀ ਬਣੇਗੀ ਫਿਰ ਇਹ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਟੈਸਟ 'ਚ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ ਸੋ ਆਂਸਰ ਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਉਹ ਐਲੀਜੀਬਲ ਨਹੀਂ ਹਨ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਗਲਤ ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਗਲਤ ਹੋ ਗਿਆ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਰ ਮੈਸੇਜ ਕੀਤੇ ਪਲੀਜ਼ BA 'ਚ ਸਬਜੈਕਟ ਹਿਸਟਰੀ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਪਬਲਿਕ ਐਡ ਹਾਂ ਮੈਂ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਛਲੇ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜੇ ਫਿਰ ਵੀ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਨਾ ਇਹਦਾ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਫਿਰ 9872978981 'ਤੇ ਮੈਸੇਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜਾਂ ਫੋਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਮੈਂ ਫਿਰ ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜ ਲਈ ਜਾਣਾ ਹੈ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਐਨੀ ਆਈਡੀਆ ਅਬਾਊਟ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਆਫ ਹੋਸਟਲ ਇਨ ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜ ਆਫ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਕਾਲਜ ਹੈ ਤਾਂ ਇਤਨਾ ਪੁਰਾਣਾ ਫਿਲਮੇ ਬਣਤੀ ਹੈ ਵਾਂ ਸਭ ਕੁਛ ਹੋਗਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਗਾ ਫਿਰ ਵੀ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲੈਣਾ ਨੋ ਬਰੋ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਹਤੇ ਸੋਰੀ ਯਾਰ ਓਕੇ ਇਤਨੀ ਅੱਛੀ ਆਪਸ ਮੇਂ ਬਾਤ ਕਰਤੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗਤਾ ਹੈ ਓਕੇ ਥੈਂਕ ਯੂ